नमस्कार दोस्तों, प्लम्बर दोस्त में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे V4 समर्सिबल पंप के बारे में। डेड HP 20 स्टेज का समर्सिबल पंप है। आज हम इसके अनबॉक्सिंग के साथ साथ इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं और सब चीजें बताएंगे। डेड HP 20 स्टेज का पंप है, सिंगल पेस समर्सिबल पंप है और काफी बढ़िया कंपनी का है ये। इसकी बात करें तो ये एक लोकल ब्रांड है इंडिया का। हम इसे ओपन कर लेते हैं पूरा, ठीक है। इस प्रकार हमने ये निकाल दिया तो दोनों पंप मोटर भी निकालते हैं। तो ये दोनों पंप आता है, एक मोटर आता है, हमेशा ये ध्यान रखिए, एक मोटर और एक पंप आता है। दोनों को इंस्टॉलेशन करने के लिए आपस में जॉइंट करना पड़ता है। और यहीं देख सकते हो ये पूरा पंप मोटर है जिसपे सारी स्पेसिफिकेशन, पानी डालना बहुत जरूरी, ये चीज कभी ना भूलिए। बाकी सारी चीजें, मॉडल वगैरह नाम लिखा हुआ है, इसकी कंपनी का नाम तो लिखा हुआ है चैंपियन नाम से इसकी कंपनी है। बाकी इसके 28 डेढ़ HP और 20 स्टेज स्पीड 2800 RPM 220 वोल्टेज रहती है। ये सारी स्पेसिफिकेशन लिख सके आप देख सकते हो। और ये हमारा पंप है जिसमें बूस्ट के द्वारा 1.5 × 1 का होज निप्पल लगाएंगे, क्योंकि बूस्ट लगा के हमारे फिर पानी की जो बाहर ब्लैक पाइप है वो हमारा 1 इंची का पाइप और 1.5 इंची का गाला है, तो बूस्ट लगा के बैरल निप्पल लगानी पड़ेगी। इस प्रकार हमने बैरल निप्पल लगा ली। उसके बाद हम इस मोटर को ओपन करते हैं। और आप चैनल को, इस प्रकार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन कॉल करिए और जो भी आपका कमेंट हमेशा कमेंट करिए। ये इसका रस्सा केबल, ये हमने पुरानी मोटर थी जो पाइप अंदर ही डाला हुआ है, तो हमेशा इस प्रकार हमारा ये रस्सा केबल है। तो ध्यान रखिए कि सबसे पहले मोटर में पानी भरना बहुत जरूरी है, वो आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इसमें जो 2 बोल्ट आते हैं हमें इन्हें खोलने हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर कोई लोग पानी नहीं भरते तो बाद में वो जल जाती है। वाटर फिल्टर मोटर में यही होता है कि कंपनी से पानी भरती है कंपनी, लेकिन वो पानी सूख जाता है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए, ये 2 बोल्ट आते हैं इन्हें हमेशा आप बाहर निकाल लीजिए और इसमें पानी भरिए। एक अच्छा प्योर पानी भरिए, कचरे वाला पानी कभी भी मत भरना, प्योर पानी भरना हमेशा, ये चीज ध्यान रखिए। और ये भी ध्यान रखना कि पानी ओवरफ्लो हो जाए, दोनों तरफ से पानी निकलने लग जाए। इस प्रकार से एयर निकाल देनी चाहिए कम्प्लीटली, क्योंकि अंदर कभी कभी एयर भी भर जाती है, तो आप अच्छे से 2-3 बार ओवरफ्लो करके देख लीजिए। उसके बाद आपको वापस ये दोनों बोल्ट अच्छे से टाइट करने हैं। ये चीज भी ना भूले कि आप, कोई लोग बोल्ट भी भूल जाते हैं, काफी मैंने देखे हैं, हम मोटर निकालते तब बोल्ट भी भूल जाते हैं, तो बोल्ट भी लगाइए जिससे कि पानी भरा रहे। वाटर फिल्टर का यही मतलब होता है। दोनों बोल्ट को अच्छे से हाथ पेचकस की सहायता से टाइट कर लीजिए। उसके बाद हमारा काम है मोटर को फिट करना, उसके बाद वायर फिट करना, उसके बाद पाइप फिट करना। ये सारी वीडियो हमारी पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हो, एकदम प्रॉपर तरीके से आपको कम्प्लीटली सेटअप बताया हुआ है। और इसमें भी हम होती कोशिश पूरा बताएंगे, लेकिन कुछ चीज लाइट की वजह से मैं पूरा नहीं बता पाऊंगा एंड में आपको, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो महत्वपूर्ण, वो चीजें मैं आपको कम्प्लीट। इस प्रकार ये एलंकी आती, मतलब इसमें लॉक आता है, उसको लॉक आप सेट कर लीजिए, दोनों पंप में भी सेट कर लीजिए और इधर भी सेट कर लीजिए। देखिए पंप में भी हमने सेट कर लिया एक तरफ की, इस तरफ ही होना चाहिए जिससे कि पंप आसानी से फिट हो जाए, ठीक है। हमें इस प्रकार पंप की सहायता से इसको ऊपर रखेंगे और लॉक को लॉक से मिलाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक नीचे रखेंगे, ये सेट हो जाएगी। इस प्रकार से कम्प्लीटली हमारी मोटर सेट हो चुकी है, कोई भी इशू नहीं आया। उसके बाद हमारे 4 बोल्ट है, इनको अच्छे से टाइट करिएगा, क्योंकि कई बार लोग वो भी भूल जाते हैं, मैंने कई बार देखा हुआ है। अफकोर्स ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो ये सारा काम करने के बाद आपको वायर फिट करना है, वायर फिट करना बताते हैं। तो इस प्रकार हमारे ये, इसका भी हम जाली लगाना भी ना भूले, जाली भी जो इसके साथ जाले आती है उसे आप आसानी इस प्रकार लगा सकते हो। जो दोनों स्क्रू को अच्छे से टाइट पकड़ना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइट हो जाता है वायर बाहर निकालने के बाद। ये हमारा पंप पूरा सेट हो चुका है, देख सकते हो, नीचे मोटर है, ऊपर पंप है, कम्प्लीटली सेटअप हो चुका है। तो इस प्रकार आप भी अपना पंप सेटअप कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो इस प्रकार ये हमारा पंप सेट हो गया। उसके बाद हम वायर सेट करेंगे, जो ये वायर देख रहे हो, इस वायर के साथ इतना वायर है। ये हमारा टोटल मोटर है जो 400 फीट समथिंग है, 380 समथिंग है, 400 भी पूरा नहीं है, 350 से 380 के बीच में है, क्योंकि पुराना मोटर था तो हमने उसी हिसाब से 20 स्टेज का पंप लिया जो आराम से 400 फीट ऊपर पानी फेंक पाएगा। 360 से नीचे से खींचेगा और 20-30 फीट ऊपर फेंक देगा, तो टोटल 400 फीट हो गया। ये हमेशा ध्यान रखिए कि ऊपर का भी आप काउंट कर लीजिए उस मोटर पंप के साथ जो आपका स्टेज। इस प्रकार वायर छोलना बहुत जरूरी है, चारों वायर आप छोल सकते हो। तीनों RYB कनेक्शन होता है, बिल्कुल सिंपल कनेक्शन होता है RYB,
आर वाई भी करना आप सीख जाओगे बिल्कुल आसानी तरीके। वायर को वायर टू कनेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वायर से ही आगे से बिजली का हिसाब उसी हिसाब से होता है आर वाई बी के अनुसार, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। आर वाई बी कनेक्शन के करने के बाद हमारा ये पंप है, देख सकते हो पानी भरे बिना मोटर को ना चलाए, पंप में ये लिखा होता है। उसके बाद हम इस प्रकार से टेप, कच्चा रबड़ जो आइसोलेशन टेप होता है, वाटरप्रूफ टेप होता है, दोनों को लगा के एकदम वायर को ऐसा फिट कर देंगे जैसे कि वायर एकदम ओरिजिनल हो। उसके बाद हम मोटर को इसके अंदर उतार दिए गाइस, उतारने के बाद हमने ये चला दी। देखिए पानी का प्रेशर अंधेरे में दिख नहीं होगा। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।